सब्सक्राइब कीजिए YT गुरु सपोर्ट चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लीजिए और पाइए लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। तो दोस्तों, क्या आप लोग भी जानना चाहते हैं कि अपने मोबाइल में एक नया गूगल अकाउंट कैसे लॉगिन करते हैं? क्या आप लोग भी अपने मोबाइल में एक नया गूगल अकाउंट या फिर एक जीमेल अकाउंट लॉगिन करना चाहते हैं? तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के जीमेल ऐप को ओपन कर लेना है। अब जैसे आप लोग अपने मोबाइल के जीमेल ऐप को ओपन करेंगे तो सबसे ऊपर आपको आपके प्रोफाइल का आइकन दिख जाएगा। तो अब आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। अब जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए मेरे मोबाइल में ऑलरेडी एक गूगल अकाउंट लॉगिन है। ओके, तो एक नया गूगल अकाउंट लॉगिन करने के लिए क्या करना है, नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ऐड अनदर अकाउंट। ओके, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक कर लेना है। अब जैसे आप लोग ऐड अनदर अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कई तरह के अकाउंट्स मिल जाएंगे। यहाँ पर गूगल अकाउंट बता रहा है, तो अगर आपके पास जीमेल अकाउंट है तो आपको यहाँ पर गूगल पर क्लिक करना है। और जैसे आप लोग गूगल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा साइन इन का। यहाँ पर ये यह आपसे पूछ रहा है ईमेल और फ़ोन नंबर, तो यहाँ पर आपको लॉगिन करने का ऑप्शन मिला है। तो सबसे पहले आपको अपने उस गूगल अकाउंट का यूज़र नेम डाल देना है। यहाँ पर देखिए मैंने अपने गूगल अकाउंट का यूज़र नेम टाइप कर दिया है। और देखिए अगर आपके पास गूगल अकाउंट नहीं है तो यहाँ पर आपको नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा क्रिएट अकाउंट का। इस पर आप लोग क्लिक करके एक नया गूगल अकाउंट यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं डायरेक्टली, लेकिन यहाँ पर हमें साइन इन करना है। तो यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब जैसे आप लोग नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अब आपसे आपके इस ईमेल अकाउंट का पासवर्ड मांगेगा। तो यहाँ पर मैं अपने पासवर्ड को पेस्ट कर देता हूँ, मैंने पहले ही कॉपी करके रखा था। अब इसके बाद आपको फिर से नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप लोग नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ये आपसे एक बार परमिशन मांगेगा, तो यहाँ पर आप लोग आई एग्री के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। अब जैसे आप लोग आई एग्री के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, ये जो आपका गूगल अकाउंट है वो आपके इस डिवाइस में लॉगिन हो जाएगा सक्सेसफुली। यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, नॉट नाउ कर सकते हैं, यहाँ पर मैं नॉट नाउ कर देता हूँ। और यहाँ पर देखिए हमारा जो गूगल सर्विस है वो इस डिवाइस में लॉगिन होना स्टार्ट हो चुका है। और देखिए यहाँ पर अब मैं जब क्लिक करता हूँ इस प्रोफाइल वाले आइकन पर तो यहाँ पर देखिए एक और गूगल अकाउंट लॉगिन हो चुका है सक्सेसफुली। तो इस तरीके से आप किसी भी डिवाइस में एक नया गूगल अकाउंट लॉगिन कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से पूछ लीजिएगा।